दिस मैन भाई, पता नहीं इसका एक्टिंग मुझको इतना अच्छा क्यों लगता है। अनिल कपूर का एक्टिंग पहले डेज से ज्यादा अभी का और बढ़िया लगता है। तो हेलो भाई लोग और बहन लोग, वेलकम टू अवर चैनल चिड़चिड़ा ब्रदर्स, जहां जिंदगी झक्कास है पर दिल लगाना बकवास है। अभी लगा कि कुछ अलग कॉन्सेप्ट में मूवी बन रहा है बॉलीवुड में, और जुग जुग जियो, जैसे कि हर गार्जियंस को हम लोग जब आशीर्वाद के लिए प्रणाम करते हैं तो वो लोग जैसे बताते हैं, उस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस करके ये मूवी बनाया गया। बेटा जुग जुग जियो ये एक फैमिली ड्रामेटिकल कॉमेडी मूवी होने वाला है, जैसे कि ट्रेलर देख के लग रहा है। और फैमिली मूवीज इज गुड, मतलब 1000 times गुड देन मूवीज लाइक धक्कर। और इसमें एक चीज मुझे सबसे बढ़िया लगा, द रिलेशनशिप बिटवीन फादर एंड सन, जो फ्रेंडशिप है फादर एंड सन का, जो चीज इसमें दिखाया गया वो कॉन्सेप्ट मुझे बहुत बढ़िया लगा। काश ऐसे पिता सब बेटे को। तो ट्विस्ट जो है वो तो ट्रेलर में दिखाई दिया गया है, लेकिन फिर भी जो स्टोरी लाइनअप है वो तो मुझे लगता है कि हंसा के ही दम लेने वाला है। अनिल कपूर और नीतू कपूर का जोड़ी, और दूसरे तरफ वरुण एंड कियारा को एक साथ देखने को मिलेगा। और मेन खबर है कि प्रजक्ता कोहली इस मूवी में एक्टिंग करने वाली है, वो भी मनीष पॉल के अगेंस्ट में। मनीष पॉल इसमें उसका फियांसे का रोल करने वाला है। वाह रे भाई, अच्छा है अच्छा है, यूट्यूबर्स को मूवी में चांस मिल रहा है, अच्छा है। ओवरऑल कॉन्सेप्ट मुझे अच्छा लगा। वैसे ही आजकल के जमाने में तो लिविंग्स एंड डिवोर्स रेट्स हाई हो चुका है, तो उस जगह पे ये मूवी जो साथ रहने का जो पॉजिटिविटी है उस पे इम्पैक्ट डालने वाला है। मुझे पर्सनली एक्शन और थ्रिलर के बाद फैमिली कॉमेडी मूवीज बहुत बढ़िया लगता है, तो ये मूवी के लिए तो एक्सपेक्टेशन रखूंगा। तो आप लोग भी बताओ नीचे कमेंट पे कि इस मूवी के लिए आप लोग कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।